हेलो मम्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिट्स टू बूस्ट किड्स इम्यूनिटी, राइट? आज हम जानेंगे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टिंग में आपकी आदतें। देखिए, अच्छी आदतें और साफ सफाई आपके साथ बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाती है। जरूरी है कि आप जो भी कर रही हैं उसकी आदत बच्चे को भी डलवाएं, ठीक है? क्योंकि बच्चों का बीमार होना आम बात है, इनमें सर्दी जुकाम और बुखार होना तो बहुत ही सामान्य बात है। जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो बच्चे का भी बीमार होना तय है। लेकिन आज के समय में अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माता पिता की चिंता दुगनी हो जाती है। लेकिन हालांकि कुछ आदतें ऐसी हैं जिनको अगर बच्चे सीख जाएं तो कुछ हद तक वे अपनी इन बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, तो इसलिए उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो बढ़ाने के लिए हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं। हेल्दी खाने की आदत। देखिए, आजकल बच्चों को पिज्ज़ा बर्गर तो पता है, मगर ड्राई फ्रूट्स और फलों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में ज़रूरी पोषक तत्व शरीर में नहीं जा पाते। इसके लिए ज़रूरी है कि डाइनिंग टेबल पर फल और मेवे हर हाल में हों। इन्हें आप भी उनके सामने खाएं ताकि वो भी इसे खा सकें। इससे बच्चे जंक फूड से बचेंगे और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। जी हाँ, आप भी उनका साथ दीजिए, तभी बच्चों में आदत डल पाएगी, क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखते हैं। अगला देखिए, पानी पीने का नियम। अक्सर माता पिता की शिकायत होती है कि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्मी में ये समस्या होना आम बात है। ऐसे में ज़रूरी है कि शरीर की नमी बरकरार रहे। इसके लिए दिन की शुरुआत पानी से ज़रूर करें। सुबह उठकर खुद भी पानी पिएं ताकि बच्चा भी आपसे सीखे। इससे शरीर डिटॉक्स भी होगा और बीमारियाँ भी दूर रहेंगी। अब देखिए तीसरी आदत, शारीरिक व्यायाम की ज़रूरत। जी, इन दिनों सोसाइटी और गेटेड कम्युनिटी जो होती हैं उनमें प्ले एरिया और पार्क जो हैं वो बंद पड़े हैं। कोरोना है ऑफकोर्स, लेकिन जो परिवार मोहल्ले में रहते हैं वहाँ भी बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। ऐसे में आप खुद भी घर पर योग और प्राणायाम करें और बच्चे को भी इन्हें करने के लिए प्रेरित करें। और चाहें तो आप खुद भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उनकी शारीरिक एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आजकल के बच्चे बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाते, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। माता पिता भी खाने की मेज पर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, इसलिए भोजन के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल खुद भी ना करें और बच्चों को भी ऐसा ना करने दें। और तीसरा पॉइंट है कि टीवी से दूरी। शरीर के विकास के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चों की बढ़ती उम्र में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी देखने के लिए उनके शो और समय को निर्धारित कीजिए। खुद के लिए भी नियम बनाएं ताकि उनको कुछ ये अलग ना महसूस हो, ठीक है? सोने से पहले उनको कहानी पढ़ने की आदत डलवाएं। जी हाँ, सोने से पहले उनको कहानी पढ़ने की आदत डलवाइए या खुद कहानी सुनाइए। इससे उनको नींद भी अच्छी आएगी और वे जल्दी भी सो पाएंगे। कहानी सुनकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और उन्हें नींद भी अच्छी आती है, ठीक है? आगे हम अगली आदत के बारे में देखते हैं। अगली आदत है हाथ की सफाई, है बहुत बहुत ज़रूरी। यस, बच्चों की और आप सबकी हाथ की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में हाथ धोना सबके लिए सांस लेने जितना भी ज़रूरी है ना? इसलिए ऐसे में ये चूक कभी नहीं करनी चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चे अपने माता पिता में हाथ धोने की आदत ज़रूर डलवाएं, मगर समय के साथ सब भूल जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है हर समय हाथ को सैनिटाइज करें, बच्चों को भी करवाएं। इसके अलावा जब भी कुछ खाएं तो पहले हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं। इतना ही नहीं, बाथरूम के इस्तेमाल और खेल कर आने के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। खुद भी ऑफिस में आकर हाथ को साबुन से धोएं ताकि बच्चा भी यही सीखे। तो ठीक है, आज हमने तो ये कुछ आदतें डालकर आप भी अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सकती हैं। इससे बच्चे काफ़ी कम बीमार पड़ेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।